हेलो दोस्तों, आई एम विकास फ्रॉम हिंदी वेबटेक। ये हमारा बूटस्ट्रैप 5 का सेकंड ट्यूटोरियल है। इस कोर्स में हम जानेंगे कैसे बूटस्ट्रैप 5 को आप अपने वेब पेज में इंस्टॉल करोगे। इससे पहले अगर आपको बूटस्ट्रैप के बारे में नहीं पता है कि बूटस्ट्रैप क्या है, तो आप हमारा इससे पहले वाला वीडियो देख सकते हैं। ऊपर आई बटन पर उसका लिंक आपको मिल जाएगा। तो चलिए चलते हैं और प्रैक्टिकली इसको समझते हैं। तो दोस्तों, हम आ गए हैं बूटस्टेप की ऑफिशियल वेबसाइट पे, जिसका यूआरएल ये है, getbootstrap.com। दोस्तों, ये बूटस्टेप का शॉर्ट एक्सप्लेनेशन दे रखा है, आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। बुलेट फास्ट रेस्पॉन्सिव साइट्स विथ बूटस्टेप, फास्ट वेबसाइट और रेस्पॉन्सिव साइट बना सकते हैं आप बूटस्टेप के साथ। दोस्तों, अभी बूटस्टेप का 5.3.1 वर्जन, करंट वर्जन चल रहा है। इसके और भी पुराने वर्जन्स पहले आ चुके हैं, यहाँ से हम लोग देख सकते हैं, जैसे 5.23, 5.13, 5.0.2। इसके अलावा बूटस्ट्रैप के 4 में भी अलग अलग वर्जन्स हैं, 3 के अंदर वर्जन से, 2 के अंदर बूटस्ट्रैप 2 में भी वर्जन्स आए थे। अगर आपको इनमें भी अलग अलग वर्जन चेक करने हैं, तो यहाँ ऑल वर्जन्स पे आप क्लिक करोगे तो आपको इस तरीके से अलग अलग वर्जन देखने को मिलेंगे। जैसे ये बूटस्ट्रैप 5 के 4 वर्जन हैं अभी करंट में। इसके अलावा ये बूटस्ट्रैप 4 के अलग अलग इस तरीके से वर्जन आए हुए हैं। इसके अलावा 3 के अंदर ये वाले वर्जन से हैं, 2 वाले वर्जन से अलग अलग, तो ये और बाकी स्टार्टिंग में फर्स्ट वाला वर्जन है। तो दोस्तों, चलते हैं वापस हम लोग मेन पेज के ऊपर। दोस्तों, थोड़ा स्क्रॉल करके जब आप नीचे आएंगे, तो यहाँ पर आपको रीड इंस्टॉलेशन डॉक्यूमेंट मिलेगा, तो हम यहाँ पे क्लिक करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आपको डाउनलोड के सेक्शन पे लेके चला गया है। ये यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर रखा है कंपाइल CSS एंड JS। दोस्तों, ये बूटस्ट्रैप की जो मिनीफाई वर्जन होते हैं, वो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। मिनीफाई क्या होता है दोस्तों? जैसे कोई आप जनरली CSS लिखते हैं या जावास्क्रिप्ट लिखते हैं, तो उसमें वाइट स्पेस होता है। अगर उस वाइट स्पेस को हटा कर हम लोग अगर CSS को एक लाइन में या जावास्क्रिप्ट को एक लाइन में मर्ज कर देते हैं, तो वो CSS और JS मिनीफाई कहलाती है। तो बूटस्ट्रैप का भी ये मिनीफाई वर्जन यहाँ से हम लोगों को मिल जाता है। आगे सोर्स फाइल, दोस्तों ये सास कंपाइलर के साथ आपको बूटस्ट्रैप की CSS और जावास्क्रिप्ट मिल जाती है, यहाँ से आप उसको यूज कर सकते हैं। यहाँ तो इसका बटन दे रखा है डाउनलोड करने का। और इसके अलावा ये तीसरा एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, जैसे आपको अलग अलग इसके एग्जाम्पल मिल जाएंगे। डाउनलोड करोगे तो आपको अलग अलग फोल्डर्स के अंदर इसके एग्जाम्पल मिल जाते हैं। आने वाले ट्यूटोरियल में इसको भी हम लोग कवर करेंगे। और इसके बाद देखते हैं CDN वर्सेस JS डिलीवरी। दोस्तों, ये बूटस्ट्रैप का CDN, CSS का और जावास्क्रिप्ट का URL ऑफिशियल वेबसाइट पे है। तो हम लोग सबसे पहले CDN पाथ यूज करके और बूटस्ट्रैप को इंस्टॉल करेंगे, बूटस्ट्रैप इंस्टॉल करेंगे वे अपने वेब पेज में। उसके बाद हम लोग लोकल पे डाउनलोड करके और सेकंड स्टेप भी देखेंगे। तो चलिए चलते हैं हमारे VS कोड के अंदर। VS कोड ये एक एडिटर है, जहाँ हम लोग CSS, HTML और फ्रंट एंड कोडिंग वगैरह सब कुछ कर सकते हैं। तो ये मेरा फेवरेट है VS कोड, तो मैं इसी में सबसे पहले करता हूँ। आप और कोई भी एडिटर यूज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो नई फाइल लेते हैं, मैं index.html ले लेता हूँ इसके अंदर। और इसके बाद जो बेसिक HTML का स्ट्रक्चर है, वो हम लोग ऐड कर देते हैं। तो दोस्तों, ये देखिए, अब HTML आ चुका है। इसको डायरेक्ट रन करवाता हूँ मैं ओपन विथ लाइव सर्वर। तो दोस्तों देखो, आप ओपन विथ लाइव सर्वर हो चुका है। अब अपन पहुँचते हैं यहाँ, हम लोग बूटस्ट्रैप का CDN पाथ कॉपी करते हैं और अपने एडिटर में जाके मैंने इसको हेड के अंदर इंक्लूड करवा दिया। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग यहाँ पे एक इसको टेस्ट करने के लिए हम लोग एक एड टैग के साथ एक HREF हैश लगा के एक बटन लेते हैं, जिससे हमें कंफर्म हो जाएगा कि हाँ, हमारा बूटस्ट्रैप इंस्टॉल हो चुका है इस वेब पेज के अंदर। तो बटन के लिए BTN और कलर्स के लिए BTN प्राइमरी, ये क्लास होती है। दोस्तों, इसको आप ज़्यादा डीपली अभी मत देखिए, मैं आगे आने वाले ट्यूटोरियल में इसको
डीपली एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अभी हम लोग सिर्फ ये देख रहे हैं कि ये बूटस्ट्रैप इंस्टॉल हुआ है या नहीं, बस उसको टेस्ट करने के लिए ये मैंने तो कोड लिखा है। तो दोस्तों आप देखिए हमारी बूटस्ट्रैप इंस्टॉल हो चुकी है। मैं इसको आपको इंस्पेक्ट एलिमेंट करके भी दिखा देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये बूटस्ट्रैप की अलग अलग कलर्स वगैरह सब इंक्लूड होके आ चुके हैं। दोस्तों इसी तरीके से हम लोग जावास्क्रिप्ट भी, इसका जो बंडल्स है वो यूज कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट। दोस्तों जावास्क्रिप्ट के अंदर भी बूटस्ट्रैप 5 में दो पॉपर डोर जेस और बूटस्ट्रैप को अलग अलग कर दिया। पहले बूटस्ट्रैप की एक ही फाइल होती थी, अब इन्होंने क्या किया, पॉपर डोर जेस को अलग निकाल दिया। दोस्तों पॉपर डोर जेस वहाँ काम आती है जिसे आपको मॉडल्स लगाने हैं, टूल टिप लगाने हैं, या फिर पॉपओवर्स लगाने हैं, पॉपओवर लगाने हैं, और भी मतलब जैसे ड्रॉप डाउन लगाने हैं। तो इस तरीके से अगर आपको ये चीज़ें यूज करनी है तो आपको पॉपर डॉट जेएस की जरूरत होती है। तो इन्होंने यहाँ सीडीएन का पाथ दे रखा है, पॉपर डॉट मीन ये मिनीफाई वर्जन है। तो हम लोग जैसे आपको अगर बूटस्ट्रैप बंडल यूज़ नहीं करनी है और दोनों को अलग अलग यूज करनी है तो आप अलग अलग भी यूज कर सकते हैं इस तरीके से। आगे हम लोग दोस्तों इसको डाउनलोड करते हैं। अब डाउनलोड वाला स्टेप देखते हैं। यह मैंने क्लिक किया डाउनलोड पे और इसके बाद में इसको एक्सट्रैक्ट कर देता हूँ यहीं पे। दोस्तों ये एक्सट्रैक्ट हो चुका है। इसके एक्सट्रैक्ट में दो फोल्डर दिए अपने को, CSS और JS। तो CSS में जा चलते हैं। दोस्तों देखिए ये बूटस्ट्रैप का मेन CSS फाइल है बूटस्ट्रैप की। इसके अलावा ये बूटस्ट्रैप की मिनीफाई फाइल है। दोस्तों ये और ये फाइल सेम है, बस इसमें मिनीफाई वर्जन है और ये अनमिनीफाई वर्जन है। दोस्तों ये वाला बूटस्ट्रैप RTL का वर्जन है, जहां आप राइट टू लेफ्ट जो होती है डिजाइनिंग उसके लिए ये यूज करते हैं, और ये इसका मिनीफाई वर्जन है। इसके अलावा आगे चलते हैं बूटस्ट्रैप ग्रिड। दोस्तों बूटस्ट्रैप ग्रिड का भी इन्होंने सेपरेट अब ऐड कर दिया है और इसका ये ग्रिड का मिनीफाई वर्जन है। इसी तरीके से बूटस्ट्रैप ग्रिड विथ RTL, ये यहाँ से इसको आप यूज कर सकते हैं। अगर आपको ग्रिड यूज करते हुए अगर RTL की ज़रूरत है तो उसका RTL का ये मिनीफाई वर्जन है। उसी तरीके से ये रिबोट नाम से फाइल है और फिर ये यूटिलिटीज है। तो इस तरीके से इन्होंने ब्रेक डाउन कर दिया चीज़ों को। बट दोस्तों हम लोग इंक्लूड करेंगे बूटस्ट्रैप की मेन फाइल फिलहाल। तो दोस्तों अगर आप बूटस्ट्रैप यूज कर रहे हो तो फिर आपको इन सब फाइलों को यूज करने की जरूरत नहीं, क्योंकि जो इतनी सारी फाइलें इन सब का मेन डेटा, मेन जो जितनी भी CSS है वो इस फाइल में आपको ऑलरेडी मिल जाएगी। तो हम लोग चलते हैं, इसको कॉपी करते हैं और हम लोग हमारा फोल्डर क्रिएट करते हैं। यहाँ पे चल के न्यू फोल्डर CSS, इसमें गया मैंने और यहाँ पे इसको कॉपी किया मैंने इसको। दोस्तों हम लोग इसको बाहर डेस्कटॉप पे ही इसके फोल्डर में चलते हैं, CSS में गए और यहाँ मैंने इसको कॉपी करके पेस्ट कर दिया। अब दोस्तों लोकल पे इसको हम लोगों ने इसको कॉपी कर लिया है। इसी तरीके से हम लोग सेम JS को भी कर देते हैं। न्यू फोल्डर JS का फोल्डर बना दिया मैंने। हम लोग चलते हैं, डाउनलोड करी हम लोगों ने CSS के साथ जावास्क्रिप्ट भी। दोस्तों जावास्क्रिप्ट के फोल्डर में चलते हैं तो वही सेम कंडीशन, ये बूटस्ट्रैप का बंडल वर्जन है, बूटस्ट्रैप का बंडल का मिनीफाई वर्जन है ये। तो ये देखिए काफ़ी डिफरेंस है, ये 203 KB की है और मिनीफाई का वर्जन ओनली 79 KB का है। उसी तरीके से ये इसके अलग अलग वर्जनस हैं जो कि हम देख सकते हैं। दोस्तों हम लोग यूज करते हैं बूटस्ट्रैप का ये वाला वर्जन जावास्क्रिप्ट में। मैंने इसको कॉपी कर लिया, इसको मैं अपने JS फोल्डर में पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ आकर हम देखेंगे तो ये बूटस्ट्रैप के CSS और JS का वर्जन अपने को यहाँ पे मिल गया है। तो दोस्तों अब इसको लोकल पे हमने इंस्टॉल कर लिया, लोकल पे इसको कॉपी कर लिया है। लोकल पे करने के बाद हम लोग इसको इंस्टॉल करते हैं, यहाँ पे ऐड करते हैं फाइल को CSS के अंदर मैंने बूटस्ट्रैप डॉट सीएसएस डाली। टाइप में भी कुछ नहीं देता हूँ अभी। और अब बात करते हैं स्क्रिप्ट में, स्क्रिप्ट इसकी कैसे चले। स्क्रिप्ट का टैग लिया मैंने, स्क्रिप्ट का SRC के अंदर JS नाम का फोल्डर है मेरा, उसके अंदर bootstrap.js। तो ये दोस्तों मेरा CSS और bootstrap दोनों इसमें ऐड हो गया है। वही हम सेम एक बार वापस इसको चेक करते हैं सेम कंडीशन के साथ। तो दोस्तों ये देखिए
अब ये लोकल पे आपके डाउनलोड हो चुकी है और लोकल से आ रही है, तो ये देखिए बूटस्ट्रैप डॉट सी एस एस, और हम लोग इस पे इंस्पेक्ट एलिमेंट करते हैं, तो ये देखिए बटन प्राइमरी, बटन प्राइमरी में ये कलर्स आ रहे हैं। इसके अलावा ये बटन हो गया, बटन के अंदर आपको अलग अलग इसकी प्रॉपर्टी मिल रही है, फॉन्ट हो गया, फॉन्ट वेट हो गया। तो ये इस तरीके से दोस्तों बूटस्ट्रैप को इंस्टॉल किया जाता है। बूटस्ट्रैप 5 को हम इस तरीके से इंस्टॉल कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे बूटस्ट्रैप की कंटेनर और रो क्लासेस। दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। दोस्तों रेगुलर अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।